दोस्तों नमस्कार, माय एडवाइस प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंकिता मैम से मिलाने जा रही हूँ, जो पिछले 2 सालों से अपना बिजनेस कर रही है। कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना स्ट्रगल किया है, मैम से पूरी जानकारी लेंगे। आज के समय में लघु उद्योग महिलाएं कर रही है, घर से कर रही है, तो मैम से पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्ते मैम, बताइए आपने उद्योग करने के बारे में कैसे सोचा? मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं पहले दूसरों के घरों में काम किया करती थी, वहाँ मुझे इतना पैसा नहीं मिलता था जिससे मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं, तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूं। तो मैम आपने कॉटन वीक का ही बिजनेस करने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि बिजनेस तो बहुत है? कॉटन वीक का बिजनेस करने के लिए मैंने इसलिए सोचा क्योंकि ये घर पे आसानी से लेडीज़ काम कर सकती है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। तो मैम हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपने कैसे मेहनत करी, कितनी मशीनों से आपने स्टार्टिंग करी, आज आप इस लेवल पर पहुंची हैं, तो कैसे हमारे व्यूवर्स को बताइए ताकि उनको भी मोटिवेट मिले। मैंने 2 साल पहले एक मशीन से स्टार्ट किया था, फिर मुझे 3 से 4 महीने लगे मार्केट समझने में, मशीनें और मंगाई और फिर मैं आगे सेल करने लगी और अपने उद्योग को थोड़ा बहुत बढ़ाया फिर मैंने। तो मैम जैसे आप बता रहे हैं तो आपने स्टार्टिंग घर से ही करी, अपने घर से, तो मैम आप थोड़ा बताना चाहेंगे हमें, हमारे व्यूवर्स को, कि आप किस प्रकार से उद्योग कर रही हैं? आपको बताती हूँ। तो मैम दिखाइए आप किस किस प्रकार से बत्तियाँ बनाते हैं। मैं इस प्रकार की बनाती हूँ, ये छोटी है, ये बड़ी है, राउंड वाली है, ये वो लॉन्ग वाली है, अलग अलग पैकेट में, बड़े छोटे अलग अलग पैकेट में, कलरफुल है। तो मैम जैसा कि आप है ना इस प्रकार की बत्तियाँ बनाते हैं, तो ये अभी कितने किलो का होगा? 1 से 2 किलो का? हाँ, 1 से 2 किलो। और आप इस प्रकार की छोटी भी बनाते हैं? हाँ, ये छोटी। तो मैम इनमें जो साइज का डिफरेंट रहता है, क्वालिटी का डिफरेंट रहता है क्या? हाँ, जैसे ये वाइट है, इसमें कलर का डिफरेंट भी है, और ये छोटी है थोड़ी, ये बड़ी है। अच्छा, इस प्रकार से डिफरेंट रहता है। आप इस प्रकार से लंबी बत्तियाँ भी बना करके तैयार करते हैं? बत्तियाँ बनाते हैं तो इनके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनकी साइज क्या रहती है। इसकी साइज 3 से 3.5 इंच और मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, इस प्रकार से आप बनाते हैं, और इस प्रकार से ये जो आप बनाते हैं सेल करते हैं, इस प्रकार से जो मार्केट में चल जाती है मार्केट वाले ले लेते हैं, इस प्रकार से आप बनाते हैं तो? हाँ। अच्छा, तो मैम जैसे कि ये जो लॉन्ग बत्तियाँ हैं ना, इस प्रकार की बत्तियाँ भी बन करके तैयार होती है यहाँ पर, तो मैम ये आगे किस प्रकार से सेल होती है? ये पैक हो गया है, अब इसको जो वहाँ कार्टून है उसमें पैक करके आगे सेल किया जाएगा। तो मैम ये जो इतना माल है ये इकट्ठा एक साथ जाता है? हाँ, जैसे रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, उस तरीके से इस प्रकार से कार्टून में पैक होके आगे सेल होता है ये। अच्छा, तो मैम इस प्रकार से कार्टून में पैक होते हैं ये? हाँ। कार्टून की साइज ये रहती है, छोटे बड़े भी वो होते हैं? हाँ, छोटे बड़े रिक्वायरमेंट। मैम अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, जो इस प्रकार की कॉटन आती है, तो ये कॉटन में कोई डिफरेंट रहता है? हाँ, जैसे ये कलर में डिफरेंट, और ये थोड़ी अच्छी वाली है, ये उससे कम है। अच्छा, इस तरीके तो मैम इनकी प्राइस ये किस भाव में आता है? ये 250 रुपये किलो के हिसाब से आता है। अच्छा, 250 रुपये किलो के हिसाब से। हाँ। तो ये गुड क्वालिटी का है। हाँ। अच्छा, तो इसमें से इस प्रकार की जो बत्तियाँ वो बन करके तैयार होती। हाँ। है, तो क्या मैम आप हमें इसका डेमो करके बताएंगे? हाँ, ये इसकी मशीन है, ये मशीन पहले मेन स्विच से ऑन करके फिर यहाँ से ऑन होती है, फिर ये ऑन हो गई है, फिर यहाँ जो कॉटन है उसको लगाया जाता है, फिर हमें राउंड कॉटन भी बन के तैयार हो जाती है। देखिए ये बन रही है। अच्छा, तो मैम इस प्रकार से बनाकर तैयार होती है? हाँ, इससे केवल राउंड कॉटन वीक बन के ही तैयार होती है। अच्छा, तो इसी साइज की बन करके तैयार होगी मार्केट? हाँ। में ये? तो मैडम इसकी जो साइज है, कोई छोटी या बड़ी बनाना चाहे तो वो कैसे बना सकता है? डाई चेंज करके इसमें छोटी बड़ी आप चाहो जैसे कर सकते हैं, छोटी बड़ी दोनों साइज की बन सकती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपके मार्केट के हिसाब से यही साइज चलती है? हाँ। अच्छा, तो मैम अगली मशीन दिखाइए कि अगली मशीन से किस प्रकार से बत्तियाँ बन करके तैयार होगी। कॉटन वीक की मशीन है, इसके द्वारा बत्तियाँ बन के और पैकिंग भी हो जाती है इसकी। अच्छा, तो इसके अंदर लंबी बत्ती बन करके तैयार? हाँ, इसके अंदर लंबी और बत्ती पैकिंग भी इसी मशीन। हाँ, पैकिंग मतलब भी दोनों प्रोसेस एक ही मशीन। हाँ, और राउंड? हाँ, वो लॉन्ग और राउंड दोनों है। तो मैम जो आपने फर्स्ट में जो मशीन परचेस करी थी, तो आपने कौन सी मशीन से स्टार्टिंग करी थी? लॉन्ग और राउंड दोनों से की थी, दोनों एक ही मशीन। हाँ, इस मशीन के द्वारा आपने स्टार्टिंग करी। हाँ, आज आपके पास 3 मशीन है। हाँ, अब आप डेमो करके बताएं ताकि हमें पता चले आप किस प्रकार की बत्तियां बना करके तैयार करते हैं, किस क्वालिटी की आप बना। अब ये जैसे लॉन्ग कॉटन वीक के लिए ये कॉटन होती है,
ये मशीन हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, फिर यहाँ जो कपड़ा होता है उसको ढीला करते हैं, फिर ये जो कॉटन होती है उसमें 3-3.5 इंच का हम इसको काट लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैम इसको इस प्रकार से 2 पार्ट्स में बांटनी होती है, फिर आप यहाँ इस प्रकार से लगाना होता है। हाँ। मैम बनाना तो बहुत आसान है, इसे बनाना इस प्रकार से आसान है, तो कोई भी बना करके तैयार कर सकता है। कोई भी लेडीज इसको आसानी से बना सकती है। फिर हमें यहाँ बन के तैयार हो जाती है, ये देखिए बनकर के तैयार होती है। हाँ। इनकी साइज क्या होती है मैम? इनकी 3-3.5 इंच होती है और मार्केट के हिसाब से। अच्छा, तो आपकी मार्केट में अभी ये 3-3.5 इंच की चलती है। हाँ, उसके हिसाब से इसमें बत्तियाँ बन। हाँ, जैसे अपन कॉटन काटेंगे उस प्रकार से बत्तियाँ बनकर के तैयार तैयार होती है। तो पहले तो पहले आप अकेले करती थी ये सारा? हाँ, पहले मैं अकेली होने के कारण मैंने 2-3 जनों को रखा हुआ है काम के लिए। अच्छा, और आप सिर्फ मार्केट में सेल करते हैं? जैसे कि मेरी जो कंपनी है उसके ब्रांड का ये लोगो पैक कर रहे हैं। अच्छा, तो मैम आपकी कंपनी का नाम है देवज्योत बत्ती? हाँ। तो मैम जैसा आपने सब कुछ तो बता दिया और 2-3 जनों को और आपने लगा रखा है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता है सब कुछ खर्चा निकालने के बाद मंथली? मेरा सब कुछ खर्चा निकालने के बाद 30-40 हज़ार तक का मंथली प्रॉफिट हो जाता है, और उसी से मैंने ये घर भी लिया है। अच्छा, उसी से आपने ये घर बनवाया है? हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैम ने पूरा यहाँ पर प्रोसेस बताया, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बत्तियाँ बनाई, मार्केट में उन्होंने कैसे सेल करी। को कोई भी जानकारी चाहिए मशीन से संबंधित या फिर मार्केट कैसे बनाना है उससे संबंधित, रॉ मटेरियल से संबंधित, मैडम का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले में हमने दे दिया है, इनसे संपर्क कीजिए। इन्होंने मशीन कहाँ से खरीदी उनका नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। ट्रेनिंग से संबंधित कोई जानकारी है तो वो लीजिए। उद्योग कैसे करना है, इन्होंने कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक आ जी, तो दोस्तों मैडम से प्रेरणा लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने उद्योग कराया, कैसे इन्होंने इतना स्ट्रगल। अच्छा लगा हमें आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। इसी प्रकार मैं आपको नए नए बिजनेस करने के तरीके बताती रहूंगी। तो मैम आप कुछ हमारे व्यूअर्स को 2 लाइन अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को कुछ भी काम करना है घर पे बैठ के, तो वो कोई भी ऐसा लघु उद्योग स्टार्ट कर सकती है, ताकि वह किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहकर खुद का काम खुद कर सके, खुद पैसा कमा सके और खुद की ज़रूरतें पूरी कर सके।